अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम प्रॉब्लम नंबर 10 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 आज मैं आपको करवाऊंगी। बहुत छोटे से इजी से क्वेश्चंस हैं, बट नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटन डाउन वैल्यू एंड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है के रिटन डाउन वैल्यू। सबसे पहली बात, रिटन डाउन वैल्यू की जो वैल्यू हमारी आ जाती है, ठीक है, मतलब हमारा बैलेंस, ठीक है। अब देखो, दो नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डेमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 3 ईयर्स के लिए हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मशीनरी कॉस्ट। अच्छा, यहाँ सबसे पहले उन्होंने हमें मशीनरी की अमाउंट दे दिया है, 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी है हमारी। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के मतलब कितने साल तक वो चलेगी, कितने साल तक हम मतलब प्रॉपरली चल सकती है, वो है 3 ईयर्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 33/3, ठीक है। अगर आप 1/3 कैलकुलेटर के ऊपर लिखो, ठीक है, 1/3 या फिर 1/3, तो आपके पास आंसर आएगा 0.333, मतलब काफ़ी ज़्यादा 3 आएंगे, लेकिन आपने सिर्फ 4 3s लेने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह आपकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी 33.3333, ठीक है। अब आपने जो भी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है वो इस परसेंटेज से फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आगे भी यहाँ लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है, ये परसेंटेज लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद लास्ट में है हमारे पास स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी दे दी गई है कि अगर हमारी मशीनरी जो है उसको हम वो 20,000 की बिकेगी, ठीक है, उसकी ये वैल्यू रह जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने एज़ यूजुअल ट्रक अकाउंट, क्योंकि ट्रक का अकाउंट हम बना रहे थे, वो लिखा, अपना फॉर्मेट लिखा, प्रॉपरली बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ईयर्स गिवन नहीं थे, ठीक है, ईयर्स मैंने खुद लिखे हैं। अब आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, इसी तरह मैंने दोनों साइड्स पे लिखे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट्स गिवन नहीं है तो हमें जनवरी, दिसंबर वगैरह ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आई थिंक दो और पहले आ चुके हैं, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। अगर आपने उसमें गलत किया हो या कुछ ऐसे, तो आप लोग इस तरह आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, कि सिर्फ ईयर आपने लिखना है। अच्छा, सबसे पहले बात कि हमारी कैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास। फर्स्ट ईयर में हमारी कैश की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है, 33.3333, ठीक है। इसकी मैंने डिप्रिसिएशन यहाँ पर फाइंड किया, एक वर्किंग नोट किया है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, आप खुद कर सकते हो। अच्छा, इसकी मैंने डिप्रिसिएशन फाइंड करके आपको बता दिया कि अगर पॉइंट में डिप्रिसिएशन आ गई, जिस तरह यहाँ पर आ रही है, जिस तरह मैंने 2 लाख रुपीज़ की डिप्रिसिएशन ली 33.333%, ठीक है, इज इक्वल, इसका आंसर आया है 6.6, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू आ गई है, लेकिन हम लोगों ने इसको पॉइंट में कभी भी नहीं लिखना, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अभी जो लास्ट वाला 6 है, 0.6, इसको मैं राउंड ऑफ करके इसमें ऐड कर दिया, मेरे पास आंसर आया 66667, ठीक है, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ कर दिया उसको। अब ये वाली वैल्यू है मेरी डेप्रिसिएशन की, मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन में इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब सिंपल इसका टोटल किया हम लोगों ने,
उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो पीछे हमारे पास वैल्यू बच गई बैलेंस, ये है 133,333, ठीक है। और हमने जो डेप्रिसिएशन फाइंड की थी वो थी 66,667, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, उसमें डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली। अब डेप्रिसिएशन यही फाइंड करनी है हमने हमेशा, ठीक है। लेकिन अब जो बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो अब हमारा बैलेंस आया ये। अब मैंने हर एक का वर्किंग नोट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बस मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों को मेथड बता दूँ, आप लोग खुद उसका वर्किंग नोट बना सकते हो। अब इसी का हम लोगों ने 33% लिया तो डेप्रिसिएशन आ गई 44,444, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इसके टोटल में से ये डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास जो बैलेंस है वो आ गया 88,889 रुपीज़, ठीक है। अब यही नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, अब इसकी डेप्रिसिएशन के लिए कैसे लेंगे, इस वैल्यू की 33% ले लेंगे और डेप्रिसिएशन आ जाएगी 29,630, ठीक है। और फिर हम टोटल में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 59,259, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एक तो इसमें पॉइंट्स में डेप्रिसिएशन गिवन है आपको, ठीक है, और दूसरा ये कि यहाँ पे ईयर्स भी गिवन नहीं थे, तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था आपको। आई होप समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने सबके वर्किंग नोट्स नहीं किए, तो आप लोगों ने इन सब के वर्किंग नोट्स एक दफ़ा खुद कर लेने हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, देखना है आंसर ये आया भी है आपका या नहीं, ठीक है। और स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, ये तो था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट करेंगे लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। और इसके ऊपर हम तब डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं जब हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब 3 साल के लिए हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाना है और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, जिस इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन है मशीनरी की कॉस्ट 2 लाख रुपीज़, एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 20,000। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन और इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम है, बस यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है और यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन में आपके ये देखिए लास्ट नोट में उन्होंने बताया था कि कभी भी हम रेजिडुअल वैल्यू को जब भी हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू से मेथड से कर रहे होते हैं, हम रेजिडुअल वैल्यू को मतलब स्क्रैप वैल्यू को कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है, उसको कहीं यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब वो तो था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डायमिनिशिंग मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब ये तीसरा नाम है इसका, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। अगर ये लिखा है तो ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, उस मेथड के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्क्रैप वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आप स्क्रैप वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें आप, यहाँ पे उन्होंने हमें कहीं पे भी डेप्रिसिएशन दी ही नहीं है। अब हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, ये 3 चीज़ें हमारे पास जो गिवन हैं इसके ऊपर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूला के थ्रू हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी और वही डेप्रिसिएशन हम हर साल चार्ज करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का।
अच्छा ये देखें क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 11। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट, ठीक है, बेसिक चीज़ें। अच्छा इसमें भी ईयर्स या डेट्स गिवन नहीं थी, तो इसमें भी मैंने ईयर नंबर 1, 2, 3 ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारी जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 2 लाख रुपीज़, वो लिखा। अच्छा अब डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है और हमें नहीं पता कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन नहीं थी। अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन थी। अब उसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो मैंने यहाँ नीचे वर्किंग नोट किया है कैसे। एनुअल डेप्रिसिएशन हमने फाइंड करनी है। फार्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीनरी। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख रुपये। रेजिडुअल वैल्यू थी 20,000 रुपये और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी? 3 साल। इस फॉर्मूला को हमने सॉल्व किया, 2 लाख में से 20,000 माइनस किया, डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 60,000 रुपीज़। कि हर साल अगर 60,000 रुपये डेप्रिसिएट हो रहे हैं आपकी मशीनरी में से, तो 3 साल के अंदर अंदर तक ये वैल्यू की जो मशीनरी है उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्क्रैप वैल्यू 20,000 आएगी भी या नहीं। अभी हमें डेप्रिसिएशन पता चलती है, हम लोगों ने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख दी 60,000। वही प्रोसीजर हम लोगों ने 20,000 में से 60,000 माइनस किया, बैलेंस बच गया 1,40,000, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गई ये वैल्यू। अब इसकी डेप्रिसिएशन हमने इसके ऊपर नहीं फाइंड करनी, क्योंकि है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो एक दफ़ा डेप्रिसिएशन हमने निकाल दी है यहाँ पे जो गिवन है, वही हम लोगों ने हर साल निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 ही लिखी, टोटल किया इसका, माइनस की 60,000 वैल्यू, तो पीछे बच गया 80,000 रुपीज़। अब ये 80,000 हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस आ गया 80,000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन निकाली 60,000। इस 80,000 में से हम लोगों ने 60,000 माइनस किया, तो पीछे बच गया 20,000 रुपीज़। अब देखो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या बची है? 20,000। और यहाँ पे बैलेंस क्या था हमारा? 20,000। मतलब हमारा जो डेप्रिसिएशन हमने निकाली वो बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। और ये एंड में हम इनको टोटल कर लेंगे तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। बस इतना सही था क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको ये खुद इसलिए करवाए थे क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।